को मद में को मद मत बारा जो जान के मगन हुए जाने सो तो है पहचाना मालिक जब अब जैसे अपने ख्याल बनावाना नंद का जी तो उसमें हारे बारे संयम जी तो मैं इसलिए क्यों नहीं कहा आजकल हमारे बहन माँ वगैरह सभी सुनने के लिए संगीत के सभी आतुर रहते हैं जी तो उसके ऊपर एक बंदिश मैंने शाकंभरी माँ की बनाई है। वाह पंडित जी जरूर सुनाइए। शाकंभरी माँ शाकंभरी सब सुख करमी सब दुख खरनी साखरी बैदनी मृगलोचनी गलो चैनी भक्तन के मैया कष्ट निवारनी शाकं भरी। ये तो साहित्य और संगीत के संबंध में और आपकी गायकी की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जैसे हमारी गायकी में पहले हमें जो शिक्षण होता है वो हमको चार राग से होता है हमारे यहाँ जब हम किसी विद्यार्थी को सिखाया या अपने बच्चे को सिखाया कि हमारे यहाँ एक ही हिसाब है कि पहले हम प्रथम भैरों से शुरू करते हैं। भैरों से आप हाँ जी वो साल छः महीने दो साल उसको रगड़े उससे उब जाए तो फिर उसको जौनपुर दे देते हैं कि भाई ये भी कर और ये भी कर। अच्छा नहीं अच्छा सवेरे वो प्रैक्टिस करें शाम को प्रैक्टिस करें तो मुल्ता नहीं तो दो राग साथ चलते रहे तीन सात यानी सवेरे में दो भैरों और जौनपुरी उसके बाद हम देते हैं मुल्तानी मुल्तानी दोपहर हाँ, के लिए दोपहर से पैर के लिए और शाम के लिए रात में देते हैं हम कुदिया। अच्छा ये तीन रागों की चार की एकदम चार की साथ साथ जी हाँ ये चार के देने से क्या होता है कि उनके सुर भी पक्के होते हैं और पहले हमारे यहाँ एक विशेषता ये है कि मुख मुद्रा को देखते हैं मुख मुद्रा शुद्ध वाणी शुद्ध मुद्रा शुद्ध वाणी निर्वाह ये इसकी हम जरूर जानते हैं आपके घराने की हाँ, विशेषता और पहले साख को सजाते हैं कि भाई साह साधो जिसमें कि पूरा उसमें प्रेम भाव पैदा हो। और ये किस खास ढंग की कोई गमकें जो आपके घराने की विशेषता हो वो भी हमें बताइएगा जरा। हमारे यहाँ एक तो कंद जी तो मैं किसी दूसरे राग में जब बताऊंगा जब कंद ये कंद जो हमारे ये हमारे खास है जन राग भी ना बिगड़े और हमारी घसीट भी आ जाए और ये मीड तो मीड भी हमारे साथ चले तो हम में क्या है कि ध्रुपद अंग का और तप्य अंग का दोनों ख्याल हम गाते हैं जैसे इन दोनों अंगों का समन्वय करते हैं ध्रुपद अंग ये अलग अलग दोनों अलग अलग ढंग के दो ख्याल हैं तो दोनों का एक नमूना थोड़ा सा बताइए। हाँ जैसे आप अब तक तो हमने आपको ध्रुपद अंग का सुना है ये अब हम आपको सुनत सा से जागे परिपारो सन और नगरी के लोग यानी
इनका भी हम यानी दोनों अंग से हम गाते हैं। अच्छा, ये जो सबसे शुरू में आपने गाया था वो ध्रुपद अंग का, ये कौन सा राग था पंडित जी, वो भी जरा बता दीजिए। नट नारायण। नट नारायण, हाँ, ये भी आजकल बहुत कम सुनने में आता राग, तो बहुत मेरा ख्याल है आपके घराने की एक विशेष ये राग का। अच्छा पंडित जी, आप तो बड़े विचारक भी हैं, ये जो राग रागिणी के बारे में भी एक बड़ा विवाद है कि किसी जमाने में प्रचार था, आजकल इसकी उपयोगिता है या नहीं है, आपके विचार हम जानना चाहेंगे। यानी पहले प्रथम तो 6 राग चालू हुए जी, भैरव, मालकों, सिंदोल, दीपक, श्री और मेघ, तो मेघ छोटा है जी। अच्छा, तो ये अलग अलग और भी इसकी परंपराएं कई, हाँ, तो 5 तो शंकर जी के मुख से निकले हैं और 6ठा जो मालकों से वो पार्वती जी ने बनाया जी, तो ये ऐसे करके 6 हैं, 6 राग। तो आप मालकों की शक्ल देखेंगे बिल्कुल खूबसूरत बहुत है जी, और इनके 5-5 भाग्या हैं जी। तो आजकल जो किताबें भी छपी हैं जो है इस साहित्य की तरफ इधर ख्याल नहीं किया कि ये एक 12 खड़ी पहली है, तो 6 राग और 30 राग नहीं, मिलके 36 होती है। तो आपका पूरा विश्वास है इस पद्धति के अंदर भाई जी, पुरातन से लिखा है, को मैं तो ये नहीं। तो कोई जैसे राग आपने मालकों से, हाँ, तो इसकी रागिनी नहीं, पहले भैरों की रागिनी, पहले भैरों की रागिनी, हाँ, उससे शुरू, जिसे भैरों की धुन, भैरवी, बंगाली, बैराली, मधु, मध्यमावती, सिंधवी, ये 5 उनकी स्त्री। तो आप इसमें से कोई 10 वाली शुरू हो जाएगी, बंगाली, बंगाली, हाँ, ये भी नहीं सुनने में आती है। नहीं आए हो रंग दात तेरी मैं प्रीत कैसे जाने आए, नहीं आए हे ये बंगाली। अब इसके बाद मध्यम आवती, मध्यम आवती, हाँ जी, ये जमना के पी बसी बजा किए गोती, ये मैं छोटा छोटा सुना दूंगी, वक्त नहीं है, अभी टेलीविजन का मामला है, इसमें थोड़ा थोड़ा हो जाए, थोड़ा एक नमूने के तौर पे। अब इसके बाद सिंधवी, सिंधवी, मेरे मन में बस तू ए गोपाल, मेरे मन में बस तू ए गोपाल, लालन की ये संग रंग मोरे मन में बस तू ए, ये सिंधी भी होगी। इसके बाद अब बाकी तो भैरों की दुनिया, भैरवी, बंगाली, बैराड़ी, बैराड़ी, हाँ भाई बैराड़ी, तुम कहा भाई गिरीश, हाँ भाई तुम भी तालीम दो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है तुम्हें, क्योंकि मैं तो बात आई हूँ, ये दोनों मिलके गाएंगे नहीं, एक अलग है, चलो गिरीश। बासुरी लागे मन प्यारे, बासुरी लागे मन प्यारे, कुंज बिहार आवो जी मारे जी, मारे कुंवरे
खमाल पूछ के तो तोड़ी गोरी गुनकली खमाज, ये तो सब आम गाते ही हैं, इसका प्रचार तो करना कोई खास बात नहीं। हिंडोल जी, हाँ हिंडोल की भी कुछ रागिनी, हाँ जी पांच सबकी है, तो उनका कुछ कोई एक रागिनी का नाम बताइए। आशावरी आशावरी धनाश्री मारू बसंत। अच्छा जी, हाँ अच्छा पंडित जी ऐसा है, ये तो बड़ा सुंदर चल रहा है, इसको सुनते सुनते तो हमारा तृप्ति तो हो नहीं सकती, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि समय का तो अभाव है, लेकिन ख़त्म करने से पहले हम चाहे जो आपके एक बहुत ही लोकप्रिय जो आप कर रहा है ये अड़ाना की एक माता जी की स्तुति में, एक पंडित जी जसराज जी भी गाते हैं, आप भी गाते हैं, तो वो हम सुनना चाहेंगे। वो बंदिश किन की है वैसे? वो बंदिश है हमारे महाराणा साहब जयवंत सिंह जी की, सानत के दरबार। अच्छा, स्वर रचना आपकी है? स्वर रचना की। तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का अंत उस रचना के साथ। बड़ी अच्छी बात है ये। ओ श्री जयनंत हरि नमो स्तुते माता काली का, माता काली का, माता काली का, माता काली का, महाकाल ma
Mata,